इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट टू देखेंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखिए तो ये सेकंड पार्ट है अब सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या आता है जिसको हम फिजिकली जो एग्जिस्ट होता है जो हम फिज़िकली जिसको हम टच करते हैं वो हार्डवेयर होता है जैसे इनपुट डिवाइस हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया सी हो गया मोनिटर हो गया मदरबोर्ड हो गया ये सब हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम टच किया जा सकता है जिस चीज़ को वो हार्डवेयर डिवाइस होता है सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन से होते हैं जिसको फिज़िकली हम टच नहीं कर सकते या फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं होते हैं वो सॉफ़्टवेयर डिवाइस होते हैं जैसे सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स और उस सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स को हम सॉफ़्टवेयर बोलते हैं और सॉफ्टवेयर जो है हम फिजिकली हम उसको छू नहीं सकते या उसको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं अब सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गए और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट uh, की जितने भी सर्विसेज हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा बेस सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एंटीवायरस हो गया डिस्क क्लीनअप हो गया ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये हम देखते हैं कोई यूज़र होता है वो कोई एप्लीकेशन पे काम करता है वो एप्लीकेशन ओ एस रन करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर पर रन करता है अब ओ एस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ओ एस एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट मेमोरी मैनेज इनपुट आउटपुट मैनेज ये सब कार्य करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं प्रोग्राम्स एक ग्रुप ऑफ लाइंस होती है या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर इंजीनियर्स द्वारा बनाए जाते हैं अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम्पल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्ज़ाम्पल होता है जैसे मैक ओ हो गया ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ओ ओस जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अब हम ओएस को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो हो सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दूसरा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तीसरा मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चौथा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पाँचवा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है छठवा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सातवा इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फिर रियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फिर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है आप कैसे भी इसको लर्न कर सकते हैं बिना सीक्वेंस वाइज लर्न कर सकते लेकिन इसके काम पता होने चाहिए कि ये कौन से क्या काम में आते हैं तो हम एक एक करके देखते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम में आते हैं ऐसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है ये एक समय पर एक ही काम करते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की ज़रूरत पे नहीं चलते हैं ये ऑटोमेटिकली कमांड पे चलते हैं और ये कमांड चलती रहती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता रहता है जैसे डेटा एनालिसिस करने के लिए हम बैच ओएस का यूज़ करते हैं और बिल प्रिंटिंग के लिए भी हम बैच ओ का यूज़ करते हैं हम कोई कमांड लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है मल्टी प्रोग्राम ओवस क्या होता है मल्टी प्रोग्राम ओ एस वो होता है जो कई प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है उसको मल्टी प्रोग्राम ओ एस को बोलते हैं ओ एस में सी पी यू खाली नहीं बैठते हैं इस मल्टी प्रोग्राम ओ एस में सी पी यू खाली नहीं बैठते हैं अगर कोई प्रोग्राम में अगर एरर आ जाती है तो वो प्रोग्राम को छोड़ करके दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लग जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर सी पी यू खाली बैठ जाएगा तो फिर काम करना ही बंद हो जाएगा और बहुत हमें कॉस्टली पड़ेगा मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये कई सारे सी कई सारे काम को ये सी अकेले ही हैंडल कर लेता है ये मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इतना पावरफुल सी होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर को जोड़ करके के बनाया जाता है और ये पैरेलल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं इसको ये प्रोग पैरल प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं और इनमें कई सारे प्रोसेसर को जोड़ करके हम काम करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसमें सी एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता रहता है जैसे एक टास्क ख़त्म किया फिर ये दूसरे टास्क को चालू कर देता है या कोई भी टास्क को ना ख़त्म किए हुए आधा अधूरा छोड़ करके दूसरे टास्क को कंप्लीट करने लग जाता है मान लो कोई फाइल बड़ी है कोई सौ एम की फाइल है और उसको कंप्लीट होने में या कॉपी होने में टाइम लग रहा है और ऐसे ही दूसरी फाइल भी क्यू uh, में लगी हुई है कि दूसरी फाइल भी आ रही है वो एक एम की है तो सबसे पहले वो एक एम वाला फाइल कॉपी करेगा सौ एम वाला फ़ाइल छोड़ देगा तो ऐसे ही टाइम शेयरिंग में सी अपने टास्क को स्विच करता रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसमें जो टास्क होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये एक प्रकार का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो एक काम एक बार में एक ही काम करता है जैसे वॉशिंग मशीन हो गया इसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ वीडियो प्लेयर हो गया इसमें वीडियो ही आप चला सकते हैं ये भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रिंटर हो गया स्मार्ट वॉच हो गया ये सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं या ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक डेड लाइन पर ही काम करते हैं डेड लाइन पर ही रिज़ल्ट शो करते हैं इसमें सी पी यू का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जल्दी रिस्पॉन्स करे या अपने टाइम पर रिस्पॉन्स करे ऐसे सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंस होता है ऐसे सिस्टम को हम जब यूज़ करते हैं जब हम टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है तब हम ऐसे सिस्टम को यूज़ करते हैं इसके एग्जाम्पल कौन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट में या न्यूक्लियर रिसर्च जहाँ होती है वहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं इस्पेस प्रोग्राम हो गया स्पेस रिसर्च हो गया वहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं ट्रेन बुकिंग हो गया प्लेन कंट्रोल हो गया आर्मी परपज़ आर्मी परपज़ तो रियल टाइम पर ही काम करते हैं तो ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सिंगल यूज़र एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है दूसरा कोई यूज़र यूज़ नहीं कर सकता उसको एक टाइम पर एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है उसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये कई यूज़र एक समय पर डेटा को यूज़ कर सकते हैं उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं इन सिस्टम को नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं जो कि कई यूज़र जो है डेटा देख सकते हैं या डेटा पर काम कर सकते हैं अब हम कंप्यूटर के इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पे कौन कौन से इंटरफेस होते हैं मेनली दो तरीके के कंप्यूटर में इंटरफेस होते हैं पहला सी यू आई इंटरफेस दूसरा जी यू आई इंटरफेस सी यू आई इंटरफेस क्या होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस करेक्टर यूज़र इंटरफेस हम इसमें क्या होता है कि टाइप करके कंप्यूटर का हम ऑपरेट करते हैं और ये ज़्यादातर कमांड लाइन में ही देखा गया है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन जैसे कि हम कोई भी कंप्यूटर पर कमांड दे करके ऑपरेट करते हैं तो वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहलाता है इसका एग्जांपल है डॉस जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था एम डॉस वो कैरेक्टर बेस इंटरफेस था देन जियो आई क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें क्या होता है ये फोटो या इमेज देख करके हम ऑपरेट करते हैं आइकन देख करके ऑपरेट करते हैं जैसे कि विंडो सेवन हो गया एंड्रॉयड हो गया मैक ओ एस हो गया ये सब जियो आई बेस्ड होते हैं अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कि कौन से विंडोज़ होते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो एम एस डॉस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था आई बी एम के साथ मिल कर के नाइनटीन एटी वन में ये सी यू आई बेस्ड था और इसमें इसको आ, इसका माइक्रो एम एस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये फर्स्ट विंडो आई थी विंडो फर्स्ट 1985 में बनाया गया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था अभी जो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडोज़ इलेवन है जो कि दो में बनाया गया था ये जियो बेस्ड होता है मैकोश का मैक ओस क्या होता है ये मैकन टोस जो कि 1984 में बनाया था जो कि एप्पल कंपनी ने इसको मैके बनाया था ये भी जियो बेस्ड है ये पहला मैके 1984 में ही आया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में आया था जो कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पब्लिक के लिए बनाया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसमें हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज़ हम एडिट कर सकते हैं जैसे कि अगर कोई आइकन है तो हम आइकन में अपनी फोटो लगा सकते हैं और हम ऐसे विंडोज़ में हम अपनी आइकन पे अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकते तो हम इसमें मोडिफिकेशनस कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोग्राम का नाम चेंज कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं जो हम एडिट कर सकते हैं तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो मोबाइल में आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 में आया था जो कि गूगल ने बनाया था अब जो सेकंड होता है सॉफ्टवेयर के कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है जैसे सी सी प्लस प्लस जावा ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल कौन सा होता है जैसे फोटोशॉप टैली ब्राउजर मीडिया प्लेयर ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है जो एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर होता है डिस्क फॉर्मेटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं जिप फाइल कोई बड़ी फाइल को कम करने के लिए हम जिप फाइल का यूज़ करते हैं डीबक को रिमूव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फैट फैट का फुल फॉर्म क्या होता है फाइल एलोकेशन टेबल कोबोल कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज डी का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जिप कंप्रेशन का क्या मतलब होता है जिप कंप्रेशन का मतलब होता है कि बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल्स छोटी साइज में कन्वर्ट करना डॉट ई फाइल क्या होती है डॉट ई फाइल सॉफ्टवेयर फाइल होती है जो कि कंप्यूटर पर रन करती है विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर अभी कौन सा चल रहा है विंडोज़ का डिफॉल्ट ब्राउज़र अभी माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ओपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं सभी सॉफ्टवेयर का बेस क्या होता है सभी सॉफ्टवेयर का बेस क्या होता है सभी सॉफ्टवेयर का बेस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सो थैंक यू